दोस्तों, एक IAS ऑफिसर का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है, IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग के दौरान IAS ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान IAS ऑफिसर को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान IAS ऑफिसर को कितने एग्ज़ाम्स देने होते हैं और उन एग्ज़ाम्स का मार्क्स पैटर्न कैसा होता है और क्या उन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, इसके अलावा जब IAS ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह कौन सी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग LBSNAA में होती है, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। LBSNAA का पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह एकेडमी लगभग 190 एकड़ में फैला हुआ है। इस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान IAS ऑफिसर्स को OTs कहा जाता है, यानी ऑफिसर ट्रेनीस। IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कुल 5 फेजेज की होती है। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद फेज वन की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, फेज वन के बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद फेज टू की ट्रेनिंग होती है और सबसे अंत में असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के बारे में। फाउंडेशन कोर्स की अवधि 3 महीने की होती है। फाउंडेशन कोर्स के दौरान IAS ऑफिसर्स के साथ साथ दूसरे सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है। फाउंडेशन कोर्स शुरू होने के 1 महीने बाद से सभी ऑफिसर ट्रेनीज को सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। यह सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपीज़ होती है। हालांकि ऑफिसर ट्रेनीज की इसी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपये मेस चार्जेस और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के रूप में काटे जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर्स की कई तरह की एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में ऑफिसर ट्रेनीज को शुरुआत के 4 हफ्तों के वीकेंड्स में मसूरी और आसपास के जगहों में ट्रैक पर भेजा जाता है, जैसे जॉर्ज एब्रेस्पिक, बेनोग हिल्स और लाल टिब्बा। इसके अलावा वीकेंड ट्रैक्स खत्म होने के बाद एकेडमी द्वारा 100 किलोमीटर का हिमालयन ट्रैक भी आयोजित होता है। इस ट्रैक में ऑफिसर ट्रेनीज को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को 15 से 20 ग्रुप्स में डिवाइड करके इस ट्रैक पर भेजा जाता है। हर ग्रुप में 20 से 22 ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं। यह ट्रैक लगभग 10 दिनों तक चलता है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज का 1 हफ्तों का विलेज विजिट भी होता है। इसके तहत ऑफिसर्स को कई ग्रुप्स में डिवाइड करके भारत के विभिन्न राज्यों के गाँव में ले जाया जाता है। ऑफिसर्स को ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और जटिलताओं से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को वहाँ यह देखना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कीम्स गाँव में लोगों तक पहुँच पा रही है या नहीं। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अवसरों की असमानता और विभिन्न सुविधाओं के अभाव जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एकेडमी पहुँचने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा एकेडमी में इंडिया डे भी आयोजित होता है, जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज अपनी संस्कृति, कलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इस एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के दौरान एथलेटिक्स मीट भी होता है, जिसमें कि ऑफिसर ट्रेनीज को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। इस एथलेटिक्स मीट में कई तरह के रेसेस ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस और एक रिले रेस भी होता है। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट और टग ऑफ वॉर जैसे गेम्स भी आयोजित होते हैं। यह एथलेटिक्स मीट 2 दिनों तक चलता है। एथलेटिक्स मीट के दौरान गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले ऑफिसर ट्रेनीज को ट्रॉफीज और मेडल देकर भी सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इस एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनीज को AK सिन्हा मेमोरियल 1 एक्ट प्ले में भी पार्टिसिपेट करना होता है। इसके साथ ही होमी भाभा साइंस डिबेट भी होता है। इसके अलावा एकेडमी में हर साल अक्टूबर के महीने में एक लिटरेरी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में लिट फेस्ट कहा जाता है। इस लिटरेरी फेस्टिवल में कविता और साहित्य से जुड़ी देश की तमाम बड़ी हस्तियां एकेडमी आती हैं। इसके अलावा एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज के ECM भी होते हैं। ECM यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल। ECM में टोटल 15 टाइप्स के स्किल्स होते हैं, जिनमें से किसी एक स्किल को ऑफिसर ट्रेनीज को अपने इंटरेस्ट और हॉबी के हिसाब से चूज करना होता है और फिर उसके बाद उसी स्किल्स में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉर्स राइडिंग भी ECM यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल के अंतर्गत ही आता है, तो इस तरह से यह ऑप्शनल होता है।
तो दोस्तों नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ कि अगर आप आने वाले समय में LBSNAA में सिविल सर्वेंट के रूप में ट्रेनिंग करोगे तो आप ECM के रूप में इनमें से एक कौन सा स्किल चूज करोगे, नीचे कमेंट में बताएं। इसके अलावा दोस्तों इस एकेडमी में कई तरह की क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं जो कि विभिन्न तरह की गतिविधियाँ आयोजित करती हैं। इस एकेडमी में टोटल 14 टाइप्स के क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं जिनके नाम हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, एलुमनी एसोसिएशन, कंप्यूटर सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, फाइन आर्ट्स एसोसिएशन, हॉबीज क्लब, हाउस जर्नल सोसाइटी, मैनेजमेंट सर्कल, नेचर लवर्स क्लब, ऑफिसर्स क्लब, ऑफिसर्स मेस, राइफल एंड आर्चरी क्लब, सोसाइटी फॉर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स और सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस। ऑफिसर ट्रेनिस को सभी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों मैंने जो आपको यह सभी जानकारी दी वह फाउंडेशन कोर्स के एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के बारे में थी, तो अब जो जानकारी दूंगा वह फाउंडेशन कोर्स के इंटरनल एक्टिविटीज़ के बारे में होगी। इंटरनल एक्टिविटीज़ में ऑफिसर ट्रेनिस के क्लासेस होते हैं जो कि LBSNAA की इसी ज्ञानशिला बिल्डिंग में होती है। क्लासेस के दौरान ऑफिसर्स को कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनमें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ICT की भी क्लास होती है। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें OTs को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर की भी क्लास होती है। इसके अलावा एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनिस के इन सब्जेक्ट के एग्जाम्स भी होते हैं। सबसे पहले मिड टर्म टेस्ट होता है जो कि अक्टूबर एंड में होता है। यह मिड टर्म टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर ट्रेनिस फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। फाइनल एग्ज़ाम दिसंबर के शुरुआत में होता है। फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 90 मार्क्स का होता है, इसके अलावा लॉ 90 मार्क्स, इकोनॉमिक्स भी 90 मार्क्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस 60 मार्क्स, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 60 मार्क्स और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का पेपर भी 60 मार्क्स का होता है। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जो कि 50 मार्क्स का होता है और ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर भी 50 मार्क्स का होता है। हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग होते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स एकेडमी के एग्जाम में ऐड नहीं होते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स असेसमेंट भी होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। ऑफिसर्स को ऐसे और बुक रिव्यू भी सबमिट करना होता है जिसके मार्क्स इसी डायरेक्टर्स असेसमेंट में ऐड होते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हुई होती है उसका भी मार्क्स ऐड होता है जो कि 300 मार्क्स होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर फाउंडेशन कोर्स के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 900 मार्क्स होते हैं। ऑफिसर ट्रेनिस को नेक्स्ट स्टेज में एलिजिबल होने के लिए फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम पास करने के बाद ऑफिसर ट्रेनिस को स्टेट कैडर्स अलॉट कर दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स अपनी अपनी एकेडमी चले जाते हैं, सिर्फ IAS ऑफिसर ट्रेनिस को छोड़कर। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद IAS ऑफिसर ट्रेनिस की फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग की शुरुआत भारत दर्शन से होती है। भारत दर्शन को विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है। यह लगभग 40 से 45 दिनों का स्टडी टूर होता है। ऑफिसर ट्रेनिस को कई ग्रुप्स में डिवाइड करके भारत के अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। हर ग्रुप्स में 18 से 20 ऑफिसर ट्रेनिस होते हैं। ऑफिसर ट्रेनिस को विभिन्न तरह के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिस वॉलेंटरी एजेंसीज और ट्राइबल एरियाज का भी दौरा करते हैं। इसके साथ ही कई तरह के NGOs के साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं। इसके अलावा 5 दिनों का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिस को विभिन्न तरह के टूरिस्ट प्लेसेस का भ्रमण भी करवाया जाता है। भारत दर्शन का अहम मकसद यह होता है कि ऑफिसर ट्रेनिस देश की विविधता को अच्छी तरह से अनुभव कर सकें और कई तरह के संगठनों के कामकाज को करीब से देखकर उनके सिस्टम को समझ सकें। भारत दर्शन यानी विंटर स्टडी टूर कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिस वापस LBSNAA मसूरी लौट जाते हैं। एकेडमी वापस लौटने पर ऑफिसर ट्रेनिस के फेज 1 की क्लासेस शुरू होती है। फेज 1 की क्लासेस के दौरान ऑफिसर ट्रेनिस को फाउंडेशन कोर्स जितने ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ अंतर यह होता है कि फेज 1 में यह 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं जो कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और लैंग्वेज पेपर के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एकेडमी में फेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वीकेंड ट्रैक्स होते हैं। इसके अलावा लिटरेरी फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल और थिएटर वर्कशॉप जैसी एक्टिविटीज़ भी होती है।
इसके अलावा इंटर सर्विसेज मीट भी आयोजित होता है, जिसे कि संगम कहा जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट्स मीट होता है। यह स्पोर्ट्स मीट आमतौर पर हर साल मार्च महीने के अंत में आयोजित होता है। इसके अलावा फेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी में 4 जोनल डेज का आयोजन भी होता है। जोनल डेज में ऑफिसर्स को अपने एलोकेटेड एस्टेट कैडर्स की संस्कृति, व्यंजन और रीति रिवाजों का प्रदर्शन करना होता है। फेज 1 का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग का इस एकेडमी में एग्जाम होता है, जिसका कुल अंक सभी सब्जेक्ट्स और डायरेक्टर्स असेसमेंट को ऐड करने के बाद 500 मार्क्स होता है। हालांकि इस एग्जाम में एक्सटर्नल एक्टिविटीज और ICT के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद IAS ऑफिसर्स अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फेज 1 के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग की एलोकेटेड एस्टेट कैडर्स में 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले ऑफिसर्स की उस एस्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग 2 महीनों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग के डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तहसीलदार ऑफिसर्स। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और एस्टेट सेक्रेटेरिएट के साथ भी अटैचमेंट्स होते हैं। सभी तरह के अटैचमेंट्स खत्म होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग को SDM या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाने के पीछे अहम मकसद यह होता है कि ऑफिसर ट्रेनिंग को काम करने की स्वतंत्रता मिले और उन्हें कार्यालयों में काम करने का अनुभव और समझ अच्छी तरह से प्राप्त हो। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग वापस LBSNAA मसूरी लौटते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग की फेज 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग लगभग 6 हफ्ते की होती है। इस ट्रेनिंग में खास बात यह होती है कि इस ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर ट्रेनिंग को किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं और ना ही किसी तरह की एग्जाम्स होती है। इस ट्रेनिंग में ऑफिसर ट्रेनिंग को सिर्फ अपने 1 साल के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करना होता है। इससे होता यह है कि सभी ऑफिसर ट्रेनिंग अपने बैचमेट्स के एक्सपीरियंस को बारी बारी से सुनते हैं और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा परफॉर्म किया होता है उनसे कुछ सीख पाते हैं। इसके अलावा फेज 2 की ट्रेनिंग के दौरान कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पारा सेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेक्स। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग का 1 हफ्ते का फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। फेज 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सभी IAS ऑफिसर ट्रेनिंग को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री प्रदान की जाती है। फेज 2 के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग की असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। इसमें ऑफिसर ट्रेनिंग को दिल्ली जाना होता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 36 टाइप्स की मिनिस्ट्रीज होती है, जिनमें से अलग अलग मिनिस्ट्रीज में ऑफिसर ट्रेनिंग को बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्टिंग 3 महीने की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद IAS ऑफिसर ट्रेनिंग को अपने एलोटेड एस्टेट कैडर में पोस्टिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से IAS ऑफिसर के पूरे ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग 2 साल 1 महीने की होती है। तो दोस्तों, IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो पहली पोस्ट मिलती है वह SDM की पोस्ट मिलती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।